वैसे तू पहन क्या रहा है? पता नहीं डूड, अभी तक तो डिसाइड नहीं किया, लेकिन तू तो जानता है मैं जो भी पहनूंगा रॉकस्टार ही लगूंगा। अच्छा वो क्या है ना शान, इस बार मैं मलाइका को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अबे कुछ ज्यादा रॉकी मत पहन लेना, मना पिछला साल याद है ना तुझे, तू मलाइका के पीछे था और मलाइका के पीछे उसका बॉयफ्रेंड था, और तू अपनी गाड़ी में मलाइका उसके बॉयफ्रेंड को घर तक छोड़कर आया था। याद है, बस 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 शान, याद दिलाने के लिए थैंक यू। हाँ वैसे अबे क्या दिन थे यार वो, एब्सोल्युटली क्रेजी। तू जानता है कल ना वही क्रेजीनेस फिर से होने वाली है। बस आई होप पिछले साल जैसा क्रेजी ना हो जाए। ऑलराइट देख डूड, अगर तूने मेरा मजाक उड़ाने के लिए फोन किया है ना, तो मुझे ना तेरे से कोई बात नहीं करनी है, फोन रख। मैं भी रखता हूँ यार, मेरी बीवी आ गई और मुझे उसे मनाना है कि आज रात को पार्टी में चले, है ना। पता नहीं क्यों लड़कियों को लड़कों से मनवाना अच्छा लगता है। ओके ओके नो प्रॉब्लम, बाय बाय। खनक अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा, तुम चुपचाप मेरे साथ चल रही, ओके? सोचेगा खनक, तुम मेरे सारे कॉलेज के दोस्तों से आज पहली बार मिलोगी। Hey, अमर खनक, मेरी कॉलेज की जो लाइफ थी ना, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज था, और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर होने के नाते तुम उस फेज को जानो। ऑलराइट, इसलिए बिना कोई नाटक किए तुम मेरे साथ चल रही हो, प्लीज। अभी शांतनु से अगर घर के बारे में बात की तो गुस्सा हो जाएंगे, पार्टी की बात करना ही सही होगा। थैंक यू सो मच। जेंटलमैन, हमने ये मीटिंग एक खास वजह से इतनी शॉर्ट नोटिस में यहां रखी है, इसीलिए आप सबको घर पे बुलाया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओवर टू यू डैड। थैंक यू बेटा। आप सब तो जानती हैं कि हमारी कंपनी के शेयर प्राइसेस थोड़े से डाउन चल रहे हैं। अब इससे पहले कि कंपनी किसी बड़े क्राइसिस में आ जाए, हमें अपने आप को तैयार करना होगा, मीडिया को इग्नोर करना होगा, अपने आप पर हमारी बिलीफ स्ट्रॉन्ग करनी होगी हमें, क्योंकि अगर हमें खुद पे ही ट्रस्ट नहीं रहेगा तो हमारे शेयर होल्डर्स का विश्वास भी डगमगा जाएगा, और वो कंपनी के लिए और भी डेंजरस होगा। और इसीलिए जब तक ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती, तब तक डैड फिर से हमें ज्वाइन करेंगे उनकी एमडी वाली पोजीशन पे। सो वेलकम बैक डैड। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। So now that we are all on the same page, हमें एक ही महीने में प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुलाइज करना है, उसे फॉर्मुलाइज करना है और लॉन्च भी करना है। So in short, एक ही महीने में हमें बहुत सारा काम करना है। Exactly बेटा। Dad, I hope आपका ये आइडिया कामयाब हो जाए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा। What's up, buddy? Guys, ये मेरी वाइफ खनक। खनक, ये निकी है, ये आंचल है, एंड दैट्स माय बॉय फ्रेडी। सब मैन, कैसा? और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, खनक भाभी आप मुझे तो जानती हैं, मैं डक्स। हाय। हाय। कैसा? गुड गुड। थैंक यू। यू नो, आई कांट बिलीव शांतनु खंडेवाल की वाइफ इतनी सिंपल और स्वीट है। अरे खनक, तुम्हें एक गुंडा कहाँ से मिल गया? इतने भी बुरे नहीं है। Exactly, खनक भाभी प्लीज आप इन लोगों की बात मत सुनिए, शान कोई गुंडा उंडा नहीं है, हीरो है, हीरो। थैंक यू, यू आर द मैन डक। हाँ भाई, डक के सामने शान की बुराई कहाँ कर सकते हैं। Exactly. That's right. Hey, राहुल और रीनी कहाँ है, और शुड आई से जेनी? लोनावला गए, वो क्या है उनको वो पैकेज मिला है, 3 रात पे 1 रात फ्री। हाँ, एक मिनट, मैं रहने की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। और नताशा और सैम, वो दोनों कहाँ हैं? नताशा अपनी आंटी के पास में न्यूजीलैंड चली गई, और सैम शादी करने के लिए यूएस चली गई। अब एनीवे, खाना तुम बताइए विक्की, साला कॉलेज में ना ये खुद एक गुंडा था,
लंबे लंबे बाल थे, कान में बाली पहनता था। और क्या हो गया तुझे, सीधा कैसे हो गया? उतना टैटू अभी भी है यार, पर बाकी सब बदल गया है। क्या है कि कॉलेज के बाद लंदन चला गया था मैनेजमेंट करने, और वापिस आके इंटरनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली और विक्की से विख्यात बन गया। यू नो व्हाट, तुम सब बदल गए लेकिन मैं अब भी सेम, आई एम नॉट चेंज एट ऑल। अबे साले, तेरा बाप करोड़पति है, तुझे बदलने की क्या जरूरत है? विक्की भाप, आपका घर बहुत सुंदर है। थैंक यू। हाँ यार, तूने आज घर का प्लान कैसे बना लिया? चलते बाहर चलते यार, कहीं डिस्को चलते। Honestly यार, अभी डिस्को इसको जाने का मन ही नहीं करता, क्या है कि वहाँ ऐसे बैठ के बातें करने को मिलता ही नहीं है। Seriously, इतना शोर होता है वहाँ पर। Seriously, I can't believe it कि एक जमाने में हम सब पूरी रात पार्टी करते थे और अब शोर लग रहा है। Exactly, thanks guys. Basically, हम अब बूढ़े हो गए। अबे बूढ़ा होगा तू, मैं अब भी जवान हूँ। Okay? मैं भी। शान, तू भी ना हमेशा बच्चा ही रहेगा, 60 साल का हो जाएगा तब भी यही कहेगा, चलो यार पार्टी करते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं मान रहे, आप हमारी एनुअल फीस आधी कर दीजिए, वो जो कह रहे मान लीजिए। क्या ठीक है, थैंक यू डैड। वर्मा जी ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, हमारे लंदन के पार्टनर्स भी हमसे पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं। कनक, तुम जानती हो ये आंचल है ना, कॉलेज में ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इनफैक्ट कॉलेज में इसने मोटे मोटे चश्मे पहने हुए थे, लंबे लंबे बाल थे, इन सिंपल टर्म्स बिल्कुल बोरिंग थी। ओके, वो सब पुरानी बात है। ऑल राइट, आज मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, 200 लोगों की टीम है मेरी। हाँ हाँ, वो क्या है ना खनक भाभी, ये पहले से ही वो समाज सेवक टाइप की थी। एक बार पता है सड़क से पप्पी को उठा के ले आई थी। क्या नाम रखा था उस पप्पी का? एंजल। प्लीज, वो एंजल ही था। ओके, था। हाँ, 4 साल पहले बीमार पड़ गया। प्रीति, तुम एक मैगजीन की एडिटर हो ना, अभी भी उसी टाइप की पोएम्स लिखती हो। मैं तुम्हारी बांसुरी, तुम मेरे ढोलक। वाओ, कांग्रेस यार। हे गाइस, पिछले महीने फ्रेडी ने अपनी डांस एकेडमी खोली, क्या नाम है उसका? ग्रूविंग गॉड। यार हम सब कहां से कहां पहुंच गए, फ्रेडी डांस टीचर बन गया, प्रीति राइटर, निकी हेड एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर, और आचल एनजीओ चलाती है। हाँ कूल यार। तुम्हें पता है खनक, कॉलेज में मेरी और शान की बिल्कुल नहीं बनती थी। अच्छा, क्यों? मुझे लगता था हम बेचारे लुखों के गैंग में कोई राजकुमार आ गया है। पूरे 2 घंटे ट्रैवल करके कॉलेज आती थी, 8 बजे के लेक्चर के लिए 5 बजे उठना पड़ता था, और ये महाशय 15 मिनट पहले उठ जाते और ड्राइवर आके इन्हें कॉलेज छोड़ देते। इतना जलती थी ना मैं इससे। 18 साल की थी जब अपना पहला जॉब किया था, पर महीने भर में जितना कमाती थी ना, ये एक रात में उतना उड़ा देता था। हाउ आई यूज्ड टू हेट यू, पर अभी लगता है शायद इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। फाइनली, थैंक यू। अब लगता है शायद जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अभी कह तो सकती हूँ ना कि जो भी किया अपने बलबूते पर किया है, और सक्सेस का मजा तब ज्यादा आता है जब वो अपने बलबूते से पाया गया हो। राइट गाइस? राइट। वैसे शान, तू क्या कर रहा है आजकल? आई एम श्योर अंकल का बिजनेस ज्वाइन कर लिया होगा अक्षय भैया की तरह। दरअसल शांतनु आजकल अपने संगीत पे ध्यान दे रहे हैं। As you guys know it, Duxo मेरा एक छोटा सा बैंड है। उससे पहले सैम भी थे लेकिन सैम अब अमेरिका चले गए। So basically Duxo और मैं अपने म्यूजिक करियर को पुश कर रहे हैं। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे कॉन्सर्ट के बारे में पढ़ा था, पर तुमने हमें इनवाइट क्यों नहीं किया? अगले कॉन्सर्ट में पक्का इनवाइट करूंगा, प्रॉमिस।
शान, मुझे तो लगा तू म्यूजिक एज अ हॉबी कर रहा है। आई मीन इंडिया में रॉक बैंड्स कौन सुनता है? तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं रॉकस्टार नहीं बन सकता? नहीं शान, मेरा वो मतलब नहीं था। अबे तू हमेशा से रॉकस्टार रहा है, ले पिज्जा खा। सुनना डक्स, तेरी कैफे कैसी चल रही है? छोटा सा कैफे है यार, चल रहा है। तेरा छोटा सा कैफे पूरे मुंबई में फेमस है। इनफैक्ट उस दिन फ्लाइट में एक बंदा मिला था, कह रहा था कि तेरे कैफे का सैंडविच बड़ा कमाल है। अब उसे क्या पता, यही सैंडविच खा के हमने अपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं। अरे बाडक्स, तू तो मुंबई में वर्ल्ड फेमस हो गया। एनीवेज गाइस, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। शान, तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो दरअसल बात यह है कि मुझे इतनी देर रात तक जागने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। तो अगर आप बुरा ना माने तो हम आपकी इजाजत लेना चाहते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट टाइम डिनर पर नहीं, लंच पर मिलेंगे। जी जरूर। दवाई ले लीजिए। फिक्र मत कीजिए डैड, सब ठीक हो जाए। कैसे बेटा, कैसे? हमारी दो फैक्ट्रीज ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, तीन बंद होने वाली हैं। हमारे लंदन के पार्टनर्स हमें छोड़कर जा रहे हैं। 30 साल में जो कुछ मैंने बनाया था सब खत्म हो रहा है। बेटा ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं किया था, सब तुम्हारे और शान के लिए किया था, ताकि मेरे जाने के बाद। डैड, आपने और मॉम ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम ऐसे 10 खंडेल वाले एम्पायर्स खड़े कर सकते हैं। डोंट वरी डैड, इट्स जस्ट अ बैड फेज, बुरा वक्त है, बीत जाएगा। मुझे लगता है कि हमें शान को इसके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि उसे जरा भी आइडिया नहीं है कि हमारे बिजनेस का कितना बुरा हाल है। नहीं बेटा, शान अभी उतना मैच्योर नहीं है, थोड़ा सा अभी भी बचपना है उसमें। वो ना तो कुछ कर पाएगा ना ही समझ पाएगा। उसे खामखा परेशान करने का कोई मतलब नहीं है बेटा। अबे साले, तेरा बाप करोड़पति है, तुझे बदलने की क्या जरूरत है? 7 साल का हो जाएगा तब भी यही कहेगा। अच्छा, चलो यार पार्टी करते हैं। पहला जब महीने भर में जितना कमाती थी ना, हाय हेट यू देता था यार। हम सब कहां से कहां पहुंच गए। अभी लगता है शायद बन गया इसमें इसकी कोई गलती नहीं। और सक्सेस का मजा एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर जब वो अपने बलबूते से पाया गया। आप गुस्सा है? मैं आपके लिए कुछ करूं? गाना गाऊं? आप जब गुस्सा होते हो ना तो आपकी ये जो नाक है ना ये लाल हो जाती है। आप जब गुस्सा होते हो ना तो आप बहुत हार्ड लगते हो। मैंने कहते मैं पहले गुस्सा हो जाता। I'm sorry, खाना को बहुत बोर हो रहा था पार्टी में, सब अपने में लगे हुए थे। कोई स्टॉक की बात कर रहा था, कोई इन्वेस्टमेंट्स की, कोई पॉलिटिक्स की। मैं बहुत बहुत अकेला फील कर रहा था खनक। सब अपनी बातें कर रहे थे। कोई राइटर बन गया, कोई टीचर बन गया, और मैं
बन ही नहीं पाया खनक। आज पहली बार खनक मुझे रियलाइज हुआ कि सब मुझसे कितना आगे निकल गए और मैं सबसे कितना पीछे रह गया। खनक मैं कितना पीछे रह गया। नहीं शांतनु, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं खनक, ऐसी बात ही है। आज मैंने सारे दोस्त अच्छी पोजीशंस में, सब अच्छा खासा कमा लेते। किसी ने घर खरीदा हुआ, किसी ने कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। मैंने खनक, सबके पास अगले 5 साल की प्लानिंग है, मेरा तो आज का ठिकाना नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो शांतनु? क्या गलत कर दिया खनक? ऐसा क्या किया मैंने कि ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है? शांतनु, क्या आपने कुछ नहीं किया? हाँ, आपका इतना बड़ा कॉन्सर्ट हुआ, इतना अच्छा गाते हैं आप, और फिर भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। देखना, एक ना एक दिन आप इन सब से आगे निकल जाएंगे। शांतनु, कुछ सपने पूरे होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा, ये मेरा भरोसा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आपको मेरे भरोसे पे भरोसा है? बिजनेस की नहीं खुशबू, डैड की फिक्र हो रही है। उन्होंने इन 30 सालों में ये एम्पायर खड़ा किया है, एक एक फैक्ट्री, एक एक डील, सब कुछ अकेले किया है। और आज जब ये सब धीरे धीरे बिखर रहा है तो वो ये देख नहीं पा रहे हैं। कुछ नहीं बिखर रहा अक्षय, और कुछ नहीं बिखरेगा। ये तो बिजनेस है, बिजनेस में अप डाउन तो चलते ही रहते हैं। डोंट वरी बेबी, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम और डैड हो ना, और शान भी तो है। आई थिंक इट्स द परफेक्ट टाइम कि तुम लोग शान को भी बिजनेस में इन्वॉल्व कर लो। पता नहीं खुशबू, क्यों नहीं अक्षय? आई मीन व्हाई नॉट? अगर हम लोग अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो फिर अपने गम क्यों नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं? और वैसे भी आई थिंक इट्स हाई टाइम कि शांतनु अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। आज का एग्जाम्पल ले लो, डैड और तुम काम को लेकर इतना अपसेट हो, इतना वरिड हो, और शान उसे
किसी ने कुछ नहीं बताया, उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी कर रहा है। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर, ही शुड बी इन्वॉल्व। खुशबू, आई अग्री विथ यू, शान अभी भी बहुत इमेच्योर है, वो ये हैंडल नहीं कर पाएगा। कम ऑन अक्षय, आई एम फेड अप ऑफ हियरिंग दिस कि शान अभी बच्चा है, छोटा है, बड़ा नहीं हुआ, हैंडल नहीं कर पाएगा। प्लीज फॉर हेवन से अपने भाई को इस तरह से प्रोटेक्ट करना बंद करो, वरना सीरियसली वो कभी बड़ा नहीं होगा और इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम होगे।